झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते के ऊपर एक लख जख्ती लिख रखा है, गुलदस्ते के ऊपर लख जख्ती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। दरवाजे के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में छेद किसने किया है सच बोलो, नाव में छेद किसने किया है सच बोलो। इस खूबसूरत लाइन के साथ नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों मित्रों दोस्तों का मैं चंद्र प्रकाश अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1B का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक, कहां से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और 1x1 करके दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए होइएगा तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, वीडियो पॉपुलर हो और मेरा मन लगे दोस्तों वीडियो बनाने में। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग क्वेश्चनों को वन बाई वन करके सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा। इसमें यह बोल रहा है दोस्तों कि यदि 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं, क्या दोस्तों कि यदि 10 पुरुष, क्या बोल रहा है कि यदि 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो बताइए 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, क्या दोस्तों। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, 7 को क्या बोल रहा है दोस्तों कि यदि 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं, क्या दोस्तों 10 पुरुष, ध्यान रखिएगा 10 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 20 दिन में, कितने दिन में आपको 20 दिन में। तो दोस्तों यदि 10 पुरुष 20 दिन में कर रहे हैं तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा, तो एक पुरुष अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 20 में हम क्या करेंगे 10 का गुणा कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 200 दिन हो जाएगा दोस्तों। एक पुरुष, देखिए 10 पुरुष 20 दिन में कर रहा है तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा दोस्तों, तो 20 में हम 10 का गुणा करेंगे 200 दिन में। आपके दिमाग में जैसे नहीं है समझ में आ रहा होगा, तो जैसे दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि 4 रुपये में, 4 रुपये में मेरे को अगर 16 टॉफी मिल रही है दोस्तों, कितना 16 टॉफी मिल रही है, बात समझने की कोशिश करिएगा, 4 रुपये में मेरे को 16 टॉफी मिल रहा है तो अब हमको पता करना है कि 1 रुपये में मेरे को कितनी टॉफी मिलेगी, क्या दोस्तों 1 रुपये में मेरे को कितनी टॉफी मिलेगी, तो हम लिखेंगे 16/4, तो 1 रुपये में बराबर 4 टॉफी मेरे को मिली दोस्तों। यहाँ पर हम लोग भाग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो इसके कहने का मतलब दोस्तों जैसे देखिएगा मैं आपको 4 पार्ट दिया, अब ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर इस पार्ट को मान लेते हैं 10 पुरुष कर रहे हैं, अगर ये वाला भाग करने में अगर 20 दिन ले रहे हैं, 10 मजदूर अगर लगाया तो इस वाले पार्ट को करने में उन्होंने कितना लिया दोस्तों 20 दिन। अब सोचिएगा दोस्तों अगर 10 लोग हैं तो इस पर 20 दिन कर रहे हैं, अगर मैं इसी काम को करने के लिए अगर 1 लोग को लगा दूं तो यह कितना दिन में लगेगा दोस्तों, क्या कर रहा हूं दोस्तों,
10 लोग कर रहे हैं तो ये 20 दिन में खत्म हो रहा है। अब दोस्तों इसी को खत्म करने के लिए हम मैं क्या कर रहा हूँ, एक लोग को लगा रहा हूँ। तो दोस्तों एक आदमी, जैसे देखिए 10 लोग हैं तो 20 दिन में कर रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक आदमी अपना 20 कर रहा है, 20 दिन ले रहा है, और दूसरा भी आदमी 20 दिन लेगा, तीसरा भी 20 दिन लेगा। तो इसी प्रकार से आपका 10 लोग हैं तो सब लोग अपना 20-20 दिन लेंगे, तो 20 दहा में क्या होगा दोस्तों, एक आदमी का 20 दिन, दूसरे का 20 दिन, तीसरे का 20 दिन, चौथे का 20 दिन, वैसे ही मिलाकर कुल कितना होगा दोस्तों, अगर आदमी एक आदमी करेगा तो कितना लेगा दोस्तों, आपका 200 दिन लेगा दोस्तों। जैसे दोस्तों आप लोगों को एक और मैं तरीका बताता हूँ, आसानी से मैं बताता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों जैसे समझिएगा, ये पूरा काम है, बात समझिएगा, या फिर कोई काम है, अगर इसको हम लोग 5 लोग करें तो क्या करेंगे दोस्तों, 5 लोग अगर करेंगे तो, या फिर दोस्तों ऐसे समझिए 4 लोग, अगर 4 लोग करें तो ये पूरा काम एक दिन में खत्म हो जाता है। कितने दिन में दोस्तों, एक दिन में, क्योंकि अगर 4 लोग लग जाएं तो एक लोग इस पे लग जाएंगे, एक लोग इस पे लग जाएंगे, एक लोग इस पे लग जाएंगे और एक लोग इस पे लग जाएंगे, तो क्या होगा, एक ही दिन में खत्म हो गया दोस्तों, क्योंकि 4 लोग हैं अलग अलग लग गए। अब दोस्तों अगर एक लोग लगे, अगर दोस्तों 4 लोग लगे तो ये एक दिन में खत्म हो गया। अब दोस्तों एक दिन अगर एक लोग लग गए तब कितने दिन में खत्म होगा, तो देखिए एक पहले दिन करेगा, फिर दूसरे दिन एक करेगा, फिर तीसरा दिन करेगा, चौथे दिन कितना हो जाएंगे दोस्तों, 4 दिन हो जाएंगे। तो इसमें एक में हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, तो इसी प्रकार से हमने 20 में 10 का गुणा किया है। समझ में आया होगा दोस्तों। अब हमको क्या करना है आपको, अब इसको समझिएगा, तो आपसे इसके आगे क्या पूछा है दोस्तों कि तो बताइए 8 पुरुष कितने दोस्तों, 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दोस्तों 8 पुरुष अगर करेंगे तो कितने दिन में, तो दोस्तों 200 में हम क्या करेंगे 8 का भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि अब 8 पुरुष लग रहे हैं। अब दोस्तों 8 पुरुष हैं तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 8 एक कम 8, 8 दुना के 16, 4 20, 8 पंच 40, कितना आएगा दोस्तों 25 दिन में। कितने दोस्तों 8 लोग अगर लगेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा आपका 25 दिन में। तो ये तो दोस्तों आपका तरीका है, मतलब कि ये आपका सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, उसी तरीके से हम लोग पूरे क्वेश्चन को करेंगे और विद इन सेकेंडों में दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, अच्छे तरह से दोस्तों समझिएगा। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए इसका सूत्र होता है M1D1 बराबर M2D2। M1 का मतलब दोस्तों पहले वाले मजदूर, पहले मजदूर कितने थे तो उसको M1 मान लिया, और दिन कितने लग रहे थे दोस्तों, जैसे इसका कहने का मतलब दोस्तों M1 कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में, तो ये क्या है दोस्तों M1 पहले वाले मजदूर कितने थे दोस्तों, 10 मजदूर हैं कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहा है दोस्तों आपका 20 दिन लग रहा है। अब दोस्तों अब कितने मजदूर बता रहे हैं, 8 पुरुष, कितने दोस्तों 8 अगर पुरुष लगे तो यह काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो नहीं पता है दोस्तों तो मान लेंगे कि एक्स दिन में खत्म हो जाएगा। अब इसको आप कट कर दीजिए, देखिए अब आपका इसका एक्स का मान निकालना है, दिनों की संख्या, एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों 10 गुणते 20 बटा के 8, देखिए 8 एक कम 8, अब देखिए 8 एक कम नहीं, 8 एक कम 8, इसको हो जाएगा दोस्तों देखिए अगर हम कट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल, आपका 200 हो जाएगा, 200 तो 8 दुना के 16 हो जाएगा, 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा दोस्तों एक्स का मान 25 दिन, आसानी से कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 8वां जो क्वेश्चन है उसको दोस्तों हम लोग इसी सूत्र पे करेंगे, क्या दोस्तों आपका ये आपका है M1D1 बराबर M2D2। दूसरा 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक मैदान की सफाई करने में 10 आदमियों को 6 दिन लगता है, कहने का मतलब अगर 10 आदमी अगर कर रहे हैं तो दोस्तों तो कितने दिन में खत्म हो रहा है आपका, 10 आदमी कर रहे हैं तो आपका 6 दिन में खत्म हो रहा है। तो अगर भी, अब भाई देखिए मैदान तो वही है, अब उसी मैदान पे कह रहा है दोस्तों कि ज्ञात कीजिए उसी मैदान को साफ करने में 4 आदमी कितने दिन लगेंगे, कहने का मतलब दोस्तों अब देखिए 10 लोग थे तो 6 दिन लग रहा था, अब 4 लोग लगे तो ये कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों, एकदम रट लीजिए, याद में कर लीजिए, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, 4 लोग लगे तो कितने दिन लगेगा दोस्तों आपका एक्स दिन, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा 10 गुणते 6 बटा के 4, कट कर दीजिए, देखिए 2 दुना के 4, 2 तीनियाँ 6, अब 2 एक कम 2, 2 पचे 10, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 15 दिन, कितना दोस्तों 15 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एकदम आसानी से करते चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए 9वां क्वेश्चन कर, 12 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों M1D1 बराबर M2
D2 क्या है दोस्तों, 12 आदमी अगर लग रहे हैं, कोई काम है मान लेते हैं यही काम है, इसी काम को करने के लिए 12 आदमी लग रहे हैं, तो यह काम कितने दिन में हो रहा है दोस्तों, 45 दिन में खत्म हो रहा है। अब दोस्तों कह रहा है कि 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों आपसे आदमी पूछा है, दिनों की संख्या नहीं। अब दोस्तों कितने दिन में आपको खत्म करना है, इसको आपको कितने दिन में खत्म करना है, देखिए कितने दिन बोल रहा है आपका, 18 दिन में। तो आपका मजदूर पूछा है दोस्तों, मान लेते हैं अगर एक्स मजदूर लगा दिए तो यह कितने दिन में खत्म हो गया दोस्तों, आपका 18 दिन में खत्म हो गया। तो इस एक्स का मान निकाल लीजिए, ये आपका मजदूर हो जाएगा दोस्तों। एक्स का मान निकालने के लिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, देखिए 12 अगुणते 45 या 18 का क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे। अब इसको कट कर लीजिए, देखिए 16 3 48 छत्रिका 18, 6 1 6 6 2 12, एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 2 32। अगर 32 दोस्तों अगर हम लोग मजदूर लगाएं तो यह जो काम है दोस्तों कितने दिन में हो जाएगा आपका, कितना दोस्तों 18 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, आपका वही फॉर्मूला रहेगा M1D1 = M2D2। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, 20 पंप किसी टैंक को 12 घंटे में खाली करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों ये आपका टैंक है, अगर इसमें हम लोग क्या किए, अगर 20 पंप लगा दिए, कहने का मतलब दोस्तों अब यहां पर देखिए सेम वही M1D1 M1 मान लेते हैं आपको 20 मजदूर हैं दोस्तों, टैंक को मान लेते हैं जैसे यहां पर लिखा है 20 पंप, तो मान लेते हैं पंप की जगह मान लेते हैं दोस्तों मजदूर ही थे, तो दोस्तों 20 पंप अगर लगे हुए हैं कहने का मतलब कि, तो ये कितने घंटे में, और दिन की जगह मान लेते हैं घंटा दिया है दोस्तों, 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। अगर 20 पंप अगर मैं लगा रहा हूं दोस्तों तो ये टैंक कितने खत्म हो रहा है, 12 घंटे में खाली हो जा रहा है। तो दूसरा कंडीशन में बोल रहा है, तो यदि ऐसे 45 पंप लगा दिए जाए, कहने का मतलब दोस्तों ऐसे मान लेते हैं 45, बस सिर्फ देखिए दोस्तों क्वेश्चन को सिर्फ चेंज किया है, मजदूर के जगह पे टैंक का नाम दे दिया है, तो ऐसे 45 पंप लगा दिए जाए, कितने दोस्तों अगर मान लेते हैं 45 मजदूर लगा दिए जाए तो यह टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, यही दोस्तों, तो टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा। तो मान लेते हैं दोस्तों एक्स घंटे में खाली हो जाएगा, एक्स घंटे में खाली हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसको कट कर दिए, देखिए 4 3 12, अगर इसको कट करें दोस्तों तो देखिए 15 3 आपका 45 हो जाएगा, कुछ और कट होगा दोस्तों, देखिए इसे यहाँ से कट करें हम लोग हो जाएगा, देखिए 4 5 20, अगर यहाँ से करेंगे दोस्तों 3 5 15, तो 4 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3x, तो x बराबर कितना कर सकते हैं दोस्तों 16 / 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 3 5 15, 15 1, तो 15 5 1/3 घंटा, कितना दोस्तों 5 1/3 घंटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा टैंक खाली हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा दोस्तों, ये कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपका क्या है फार्मूला, दोस्तों एक फार्मूले पर पूरे क्वेश्चंस जो आपका है एक फार्मूले पर। अब कौन सा है दोस्तों, यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, क्या दोस्तों वही आप लोग लगाएंगे M1D1 = M2D2। क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि 25 आदमी किसी काम को, मान लेते हैं दोस्तों ये आपका काम है, ये आपका क्या है दोस्तों आपका काम है, इसको नीचे थोड़ा हम लिख देते हैं दिखाई देगा आपको, M1D1 = M2D2 क्या है दोस्तों, मान लेते हैं ये आपका क्या है काम है, इस काम को करने के लिए 25 आदमी अगर लग रहे हैं दोस्तों तो ये कितने दिन में आपका खत्म हो जा रहा है, 24 दिन में, कितने दिन में दोस्तों आपका 24 दिन में खत्म हो जा रहा है। अब दोस्तों आगे बोल रहा है, तो बताइए कितने आदमी इस काम को 20 दिन में कर लेंगे, तो दोस्तों मान लेते हैं कि अगर एक्स मजदूर लगा दिया जाए तो यह काम कितने दिन में दोस्तों आपका 20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स का मान निकाल लीजिए, तो एक्स बराबर आप लिख सकते हैं दोस्तों 25 * 24 / क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 20, देखिए इसको कर सकते हैं, देखिए 5 4 20, यहाँ करेंगे 6 4 24, देखिए 5 1 5 5 5 6 25, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा, कितना दोस्तों 30 अगर मजदूर रहेंगे दोस्तों तो यह काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा दोस्तों 20 दिन में खत्म हो जाएगा, कितने दिन में दोस्तों आपका 20 दिन में खत्म हो जाएगा। अब आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर
ग्यारह, देखिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह में आपका क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बारह, क्वेश्चन नंबर बारह थोड़ा देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। देखिए कि 100 आदमियों के लिए 50 दिन का भोजन था। क्या दोस्तों? 100 आदमियों के लिए। कहने का मतलब दोस्तों कि ये आपका मान लेते हैं भोजन है, अगर इस भोजन को दोस्तों अगर 100 आदमी खाएंगे तो यह भोजन कितने दिन तक चलेगा दोस्तों? 50 दिन चलेगा। कितने दिन दोस्तों? 50 दिन चलेगा। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि देखिए तो बताइए यदि 10 दिन बाद 20 आदमी चले गए। क्या दोस्तों? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद कहने का मतलब दोस्तों अगर 100 आदमी अगर खाएंगे तो 50 दिन। 10 दिन बाद क्या है दोस्तों? अगर 100 आदमी खाएंगे, देखिए 10, जैसे देखिए यहां था दोस्तों कि देखिए 100 आदमियों के लिए 50 दिन का भोजन था, आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, यहां पर देखिए कि ये बोल रहा है कि अगर 100 आदमी थे तो यह भोजन कितने दिन तक चल रहा था दोस्तों? 50 दिन। अब दोस्तों 10 दिन बाद कितने दोस्तों? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद अगर कर दिया जाए दोस्तों तो अगर इस भोजन को मतलब जो कुछ भी भोजन वजन बचा होगा दोस्तों, पहले मान लेते हैं इतना भोजन था, 10 दिन बाद दोस्तों अब इतना भोजन आपका बचा, अब इस भोजन को दोस्तों यदि 100 आदमी अगर करेंगे तो यह भोजन कितने दिन तक चलेगा दोस्तों? अब आपका 10 दिन तो बीत गया, 40 दिन चलेगा। अब यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे दोस्तों, अब दोस्तों 40 दिन चलेगा, लेकिन अब इसको समझिएगा दोस्तों, 10 अगर अब यहाँ पर इसको समझिएगा, M1 अगर 100 लोग खाएंगे दोस्तों तो यह भोजन कितने दिन तक चलता? 40 दिन तक चलता। लेकिन इसने कंडीशन आपको दिया है कि 10 दिन बाद 20 आदमी चले गए, अब कितने बचे दोस्तों? अब आपके कितने बचे? 80 बचे। कितने दोस्तों आपके? 80 बचे। तो अब 80 लोग खाएंगे तो दोस्तों भोजन तो वही है, उसी भोजन को अगर 100 लोग खा रहे हैं तो 40 दिन चल रहा है, अब 80 लोग खाएंगे तो मान लेंगे दोस्तों एक्स दिन चलेगा, अब मान लेंगे कि एक्स दिन चलेगा। तो देखिए 40 एकम 40 दूना के कितना हो जाएगा? 80। अब देखिए 2 एकम 2 दोस्तों 2 50 100, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 50 दिन एक हो गया दोस्तों। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको एक और तरीका से बता देता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों जैसे इसको एकदम आसानी से देखिएगा, आप समझिएगा उसने क्या बोला है दोस्तों कि 100 लोग अगर खाते तो दोस्तों 50 दिन तक था, कोई मान लेते हैं ये आपका भोजन था, इस भोजन को 100 लोग अगर खाते तो ये दोस्तों 50 दिन तक चलता, लेकिन दोस्तों 10 दिन के बाद, कितने दोस्तों? 10 दिन के बाद। अब ध्यान रखिएगा अगर 10 दिन के बाद अब 100 लोग खाएंगे दोस्तों तो कितने दिन चलेगा आपका? 10 दिन बाद मतलब अब 40 दिन चलेगा, 10 दिन तो बीत गया, अगर अब इसी भोजन को 100 लोग खाएंगे तो आपका कितने दिन चलेगा दोस्तों? 40 दिन चलेगा। अब दोस्तों लेकिन अब दोस्तों अगर 1 लोग खाएंगे तो कितने दिन चलेगा? 1 लोग अगर खाएंगे तो कितने दिन चलेगा दोस्तों? 40 गुणते 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 4000 दिन। कितने दोस्तों? 4000 दिन। लेकिन आप बोल रहा है दोस्तों 10 दिन के बाद 20 लोग चले गए तो अब बचे कितने दोस्तों? अब तो 80 लोग खाएंगे, अब भोजन तो वही है शेष के है, तो अब 80 लोग, अब बताइए दोस्तों अगर 80 लोग खाएंगे तो यही भोजन जो 4000 दिन एक आदमी खाता तो अब 4000 दिन चलता, तो अब 80 लोग खाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 4000 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 80 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 पंचे दोस्तों 40, तो एक सुनना बचा कितना दोस्तों? अब 80 लोग खाएंगे तो यह भोजन आपका कितने दिन चलेगा दोस्तों? 50 दिन। कितने दोस्तों? 50 दिन। समझ में आपको आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग क्या करते हैं अपने वीडियो की समाप्ति करते हैं। दोस्तों आप लोगों को वीडियो जो हमने आपको समझाया कैसा लगा, समझ में आया तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा हाँ सर समझ में आया, अगर दोस्तों नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा नहीं समझ में आया, कोई भी समस्या है प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9452283509। तो फिर मिलेंगे हम दोस्तों अगले वीडियो में और इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के, तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।